हरियाणा में 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का पालन करने के लिए सी विजिल ऐप आरंभ किया, जिसमें कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित सूचना आयोग के पास भेज सकता है और जिसका 100 मिनट के अंदर अंदर संबंधित जिला उपयुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। आज जींद के चुनाव तहसीलदार रवि शर्मा ने आज जिला मुख्यालय पर अपने कार्यालय में मीडिया प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए बताया कि चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के पोस्टर इत्यादि छपवाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं और यदि कोई निर्धारित स्थान के अतिरिक्त पोस्टर इत्यादि चुनाव सामग्री छपवाता है तो उसे हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता की सुविधा के लिए चुनाव आयोग ने टोल फ्री नंबर 1950 लागू किया है, जिस पर कोई भी नागरिक जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने 24 सितंबर को वोट बनवाने की अंतिम तिथि निर्धारित की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 के लिए 21/9/2019 से घोषणा कर दी है और ये चुनाव आचार संहिता 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस दौरान जो चुनाव सामग्री से संबंधित या राजनीतिक प्रचार से संबंधित पोस्टर बैनर फ्लैक्स आदि जो शहर में लगे हुए हैं उसको उतारने के लिए या किसी प्रकार के स्लोगन जो दीवारों पर लिखे हुए हैं उसको मिटाने के लिए सभी अधिकारियों को उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि एक दो दिन के अंदर अंदर सभी प्रचार सामग्री को हटाया जा सके। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा लोगों को आम जनता को मतदान या मत के प्रति जागरूक करने के लिए होर्डिंग आदि लगवाए जाएंगे और अखबारों में पर्ची भी बंटवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त पब्लिक की सुविधा के लिए एक सी विजिल ऐप इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग फ्लैक्स बैनर राजनीतिक प्रचार सामग्री अवैध रूप से लगाई गई है जो निश्चित स्थान से अलग किसी स्थान पर लगाई गई है तो उसको हटाने के लिए उस पर लिखा जा सकता है, शिकायत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त 1950 एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए संपर्क किया जा सकता है। जिला जींद में 9,48,726 मतदाता इस समय दर्ज है और सभी मतदाताओं को वोटर स्लिप मतदान के लिए वोटर स्लिप जारी की जाएगी, ताकि मतदान में किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो। यदि किसी का पहचान पत्र नहीं है, कोई और आईडी नहीं है, तो वो अपनी वोटर स्लिप दिखाकर मतदान में भाग ले सकता है। हाँ, 1950 टोल फ्री नंबर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले लोकसभा चुनाव के दौरान से लगातार जारी है और जो अब भी काम कर रहा है और किसी प्रकार की जानकारी उस पर ली जा सकती है। जिला जी, हाँ जी, इसमें महिलाओं के कितने वोट रहे पूरे बात करें? 4.5 लाख के करीब महिलाओं के महिला मतदाता के वोट है और 5 लाख के करीब 5.25 लाख पुरुष मतदाता है और ज़िले में जेंडर रेशो महिलाओं के का प्रतिशत और वोटों का प्रतिशत स्टेट अनुमान के मुताबिक बहुत अच्छा है। ताकि लगभग पिछले एक वर्ष के अंदर सभी लोगों ने, आम जनता ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है मतदान मत बनवाने के लिए, वोट बनवाने के लिए और लगभग 20-22 हज़ार मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं। जिला जींद से निर्वाचन उप तहसीलदार रविशंकर शर्मा। अर्थ प्रकाश के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।